बोलता राजस्थान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री एवं हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल डोटासरा 16-17 अगस्त को अपने प्रभार क्षेत्र वाले जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर के दौरे पर थे। इस दौरान वे जनसुनवाई कर रहे थे और श्री गंगानगर के CBO कार्यालय में हुए भ्रष्टाचार के आरोपी PTI ओम प्रकाश के समर्थन में शिक्षक कृष्ण गोदारा ने उक्त मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की तो डोटासरा शिक्षक पर बिफर पड़े और उन्होंने कहा कि आपको चोरों की दलाली नहीं करनी चाहिए, अन्यथा अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा डोटासरा ने क्या कहा ये आप खुद सुन लीजिए। अपना काम करो ना, कहाँ कर रहे हो आप भ्रष्टाचार की जांच हो रही है उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो। ये सब खोप में है, क्या खोप है? 38 करोड़ रुपए बिना मिली भगत के हो गए क्या? और उनकी जांच करने से पहले आप लोग पैर भी करने आ गए? नहीं, पैर भी नहीं, हम कह रहे हैं दो वीडियो निर्दोष है। तेरे को क्या बता, आप हो गया जांच अधिकारी, आप निष्पक्ष जांच, आप फैसला करो। मेरे मैं गलत कर रहा हूँ जांच? नहीं, सर, आप सब मुझे कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच करिए। 2 मिनट में सस्पेंड कर दूंगा, समझ गया रखा अपने आपको, निष्पक्ष निष्पक्ष। 38 करोड़ रुपए का घपला हो गया और मैं जांच करा रहा हूँ उसके ऊपर आप यहाँ मेरे को पट्टी बनाने आ गए? नहीं, गलत बात, तुम्हारा काम नहीं है ये पुलिस का काम है, ये विभाग का काम है, सरकार का काम है, आपका काम नहीं है कौन निर्दोष है कौन दोषी है, तुम तय करोगे। एक थर्ड ग्रेड का टीचर तय करेगा कौन सही है कौन गलत है। सॉरी सर, निवेदन गलत बात करते हो, किसी चोरों का पक्ष लेने आते हो यहाँ? बाड़मेर यही है, राजस्थान में दूसरी जगह नहीं है। सारे को हाईजेक कर लिया, कोई किसान बेचारा परेशानी के लिए आया था उसको नहीं, और इन चोरों की पैरवी करने आ गए तुम लोग यहाँ। आपको बहन कैसे हुआ कि मैं गलत किसी के खिलाफ हम लोग कार्यवाही करेंगे?